So as usual the ritual start of drinking water, a full bottle of water, वरना मम्मी धो देती है, सुबह पानी नहीं पियेंगे. तो संडे हो या मंडे रोज़ पानी पीना ही पड़ता है, नो मैटर वॉट, इन द मॉर्निंग इन एम्प्टी स्टमक एज यूजुअल. और डेली व्लॉग में ये देखना पड़ेगा, नो मैटर वॉट यू हैव टू सी. सो या बेसिकली आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वो भी देख लो प्लीज़. एंड देन इनका संडे रूटीन रहता है. सो संडे था तो सबसे पहले मैम चाय पी रही थी. घर पे किसी ने फ्रेश भी नहीं होती कि चाय पीने बैठ गई थी, नो वेटिंग फॉर एनीवन. देन ये उठ के आके क्लास में पानी पी रही थी, जैसे कि आप लोगों ने मुझे देखा. एवरीवन हैव टू ड्रिंक वाटर नो मैटर व्हाट. सो दोनों का अपना ही चारों तक खिचुर पुचुर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. एंड दे वर लिटिल शाय क्योंकि मैं शूट कर रही थी. वाओ, हमारा ब्रेकफास्ट गाइस, रोटी और दिस इज दाल की सब्जी. हेयर वी वर डूइंग आवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे घर पर ब्रेकफास्ट पे ऐसा ही बनता है. हमारे घर पे मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा ही रोटी सब्जी बनती है. यहाँ पी यू थी मेरे बाजू में. एंड हियर आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड हियर एंड देयर गॉसिप. तो यहाँ पे हमने कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स मंगवाए थे इंस्टामार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट से, जैसे कि आप लोगों को दिखेगा आगे. वैसे मैंने स्विगी इंस्टामार्ट का प्रमोशन कर दिया, दे हैव टू पे मी, दे शुड कोलैब विथ मी आई गेस. एंड मम्मी पीछे से गई और यहाँ सब्जियाँ. बहुत गलत तरीके से आप उसे खोल रहे हैं. दिया प्रमोशनल आइटम नहीं दिया, दिया 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 प्रमोशनल आइटम. अरे बाप रे, एक किलो, दो किलो, चार, पाँच किलो प्रमोशनल आइटम. प्रमोशनल आइटम देखो, डोंट मिस आउट फ्लैट 10% कैशबैक ऑन स्विगी. This is my favorite cup, by the way, guys. This is what she made. आपके हंसने की वजह? कुछ नहीं. जो आप कर रहे थे आप फिर से करके दिखाएंगे. मुंह छिपाने लायक क्यों काम करते हो? इधर इधर. हेलो, डोंट 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 करो ना, अरे करो ना. तू कर, मैं नहीं करना. गाइस की शक्ल देख लो. अरे क्यों नहीं हो रहा? सो गाइस हमें बाहर जाना था तो मैंने फटाफट लंच कर लिया. हमारे घर पे एग करी बना था और रोटी थी. गाइस लेट्स गेट रेडी, नाउ वी हैव टू गो आउट. सो थोड़ा काम है तो कुछ कंफर्टेबली पहनते हैं. लेट्स सी व्हाट यू आर वेयरिंग. सो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी, मैं मम्मा का वेट कर रही थी. जैसे कि आप लोग देख सकते हो पीछे मम्मा है
तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने क्योंकि हमें ट्रैवल करना था, एंड यहाँ पे वेट कर रही थी बेडरूम में जाने के लिए, तो फिर मैंने उसको जाने दिया। एंड देन हम वहाँ जहाँ हमें जाना था हम पहुँच गए। हम किसी काम से बाहर गए थे तो वो शूट करना मुझे सही नहीं लगा बिकॉज वो हमारा पर्सनल काम था, तो हम वहीं पे थे। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया ताकि आप लोगों को लगे मतलब पता चले कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। जो चीज़ दिखाना होता है मैं वो दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। एंड देन हमारा काम ख़त्म हुआ एंड देन फिर हम बिल्डिंग के बाहर जा रहे थे जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड देन फिर बारिश बहुत काफ़ी, हम लोग छतरी लेके नहीं गए थे, काफ़ी बारिश हो रही थी एंड इट वॉज़ सो रेनिंग। एंड देन फिर हम बाहर जा रहे थे जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हम जैसे ही लोकेशन पे पहुँचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, जितना हमने ट्रैवल किया वहाँ ज़रा भी बारिश नहीं, अचानक लोकेशन पे पहुँचते बारिश आ गई। एंड फिर हम लिफ्ट में थे, हम बाहर जा रहे थे एक्चुअली, सो वी वर गेटिंग आउट जैसे इट्स वॉज अ स्नीक पिक। एंड देन लुक एट द व्यू गाइस, द व्यू वॉज लिटरली ब्रेथ टेकिंग। मतलब मैं इसको क्रॉस में शूट नहीं कर पाती, स्ट्रेट में ही देख लो, बहुत सुंदर लोकेशन था जो भी था। सो गाइज आज का व्लॉग बहुत छोटा है, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग करूँ, और फिर जाते वक्त मुझे बस से ये शिप दिखा था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई लव यू ऑल, थैंक।